आगे भी देखिए, बाबा से अंबेडकर जो है वो हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है। माँ बाप से बढ़कर क्यों है? क्योंकि माँ ये तुम्हें ऐसे गलत बोलेगा कि तुम जो है बस अपनी अशुलान की जिंदगी जी रहे हो, और बाबा से अंबेडकर ऐसे समय में भी अपने आंसुओं को, अपने घूंटों को, अपने मन में पी के, कोट पैंट पहन के गोल में सम्मेलन के लिए तैयार हो गए। बेटा घर में मरा हुआ पड़ा था, सोचिए क्या पीड़ा रही होगी। कफन के लिए पैसे भी नहीं थे, माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस राजरत्न को उड़ाया था। वो नए कपड़े लाने के लिए बोलते हैं ना कि जब बच्चा मर जाता है उसको नए कपड़े पहना के जो है उसकी अंतिम विदाई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं था तो माँ ने भी इतना त्याग दिया ना रमाबाई ने, जो अंबेडकर को बाबा साहेब बनाने वाली थी उन्होंने इतना त्याग दिया कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की हर मुश्किल में, हर परेशानी में हंसकर और डटकर उनका उनका साथ दिया, और हर मुश्किल का बाबा साहेब अंबेडकर के साथ साथ उन्होंने सामना किया। उनका बेटा घर में मरा पड़ा था, कफन के लिए पैसे भी नहीं थे, और बाबा साहेब अंबेडकर अपने बच्चे को लाकर और ये कहकर चले गए कि अगर मैं आज इस बच्चे के लिए रुक गया तो आने वाले लाखों करोड़ों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे। और आप देख लो कि बाबा साहेब अंबेडकर उस दिन नहीं रुके तो आज आप लोग बाल खड़े करते हैं, जेल लगाते हैं। मैं आपके सामने माइक पहन के माइक पे बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने जो है रील्स बनाता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में हम लोग निकलते हैं, तो ये देन सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर की है। क्योंकि आप ये भी देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है। माँ बाप से बढ़कर क्यों है? क्योंकि माँ बाप तो हमें जब भी जन्म देते जब बाबा साहेब अंबेडकर नहीं आते, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो हमारे माँ बाप के जन्म देने के बाद हमारी जिंदगी गुलामी में कटती। थोड़े बड़े होते गले में आंटी पीछे झाड़ू आती, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होता, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं होता, बहन बेटियों को महिलाओं को IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं होता। ये सारे अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के तहत दिए, तो मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से बढ़ के बाबा साहेब अंबेडकर उनका ये मूवमेंट है, तो आपको भी ये मूवमेंट सर्वोपरि आगे लेके जाना पड़ेगा। आप समझिए कि ऐसे दौर में कि बाबा साहेब अंबेडकर विदेश पढ़ते थे, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो चाहते तो इतना तो पैसा उनके पास होगा ना, वो अच्छा डिनर, अच्छा लंच, अच्छा जो है नाश्ता कर सके, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षा के लिए, जिस शिक्षा को आज हम मजाक समझते हैं उसी शिक्षा के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर लंच पानी में ब्रेड भिगोकर खाया करते थे, ताकि वो वहां से आने जाने का समय, फिर जो कैंटीन में पैसा जाता है उस पैसे को बचा सके और उस पैसे को अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा को अच्छा करने के लिए लगा सके। आप खा लेंगे पानी से ब्रेड भिगोकर? रोके खा लो भैया, उन्होंने खाए और हमें सब कुछ दे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या